नॉर्मली बीएड के कैंडिडेट समझते हैं कि बीएड करने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, वो सब्जेक्ट आपने इलेक्टिव 3 साल के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके मार्क्स वो वेरी करते रहते हैं। तो पैडागोजिकल सब्जेक्ट किसके लिए आपने अप्लाई करना है, वो पैडागोजिकल सब्जेक्ट की मैचिंग ग्रेजुएशन बीएड और गवर्नमेंट नॉर्म से होनी चाहिए। इसके लिए अलग से वीडियो निकाला गया है, वो देख सकते हो, नीचे लिंक होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते और उन्होंने एलिजिबल होना होता है किसी स्पेसिफिक पैडागोजिकल सब्जेक्ट के लिए, उनको यूनिवर्सिटी प्रोविज़न देती है कि वो एडिशनल सब्जेक्ट फिल करके एग्ज़ाम एक ही मंथ में हो जाते हैं ग्रेजुएशन के, और बीएड के थोड़ा हाँ वक्त लगता है क्योंकि इंटर्नशिप होती है, लेकिन सारी क्लैरिटी प्रैक्टिकल में क्या होता है इस वीडियो में दे दूंगा। तो वो एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल पेपर देने के लिए ग्रेजुएशन और बीएड के लिए क्या क्या फैक्टर हैं, फीस क्या है, डेट क्या है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, प्रैक्टिकल की फीस क्या है, यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ता है ड्यूरिंग बीएड हो सकती है, माइग्रेशन चाहिए, सिलेबस कौन सा होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। पहले लॉजिक लेके चलें कि ये क्यों करना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं कि क्यों करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कैंडिडेट है जिसने बीए मान लीजिए हिस्ट्री, हिंदी और होम साइंस से की है, ऑड कॉम्बिनेशन है, स्कूल सब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मिल रहे, तो उन्होंने बीएड कर ली। बीएड कैसे की, अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की है तो हो सकता है कि उन्होंने पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री पढ़ ली हो, पैडागोजी ऑफ हिंदी पढ़ ली हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बीए में पढ़े थे, तीन साल पढ़े थे, बीएड वालों ने गाइड किया तो ये कर लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब के लिए कैंडिडेट जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब एसएसटी की निकली, हिस्ट्री की बहुत कम या नहीं निकली, ये एलिजिबल होना चाहते हैं पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए, जहाँ हिंदी की कम निकलती है वो पंजाबी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। नेचुरली है इनको फिर बीए और बीएड दोनों के एडिशनल पेपर देने होंगे। फर्स्ट है कि हिस्ट्री की जगह पर ये अगर ये सोशल साइंस में एलिजिबल होना चाहते हैं सोशल साइंस एसएसटी के लिए, तो एक सब्जेक्ट इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, बाकी एनसीटी ने 13 सब्जेक्ट जो टोटल दिए हुए हैं उनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट का एडिशनल पेपर देना पड़ेगा पहले बीए में। वो 13 सब्जेक्ट में से नॉर्मली क्या हो सकते हैं, ये सुजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है, सोशियोलॉजी हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है। वैसे आपको वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, दैट इज़ वाई ईजी करनी है तो सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं, पब्लिक एड है ना। तो अगर स्कूल में से चुनने हैं आपने तो आपको हर हालत में जैसे पॉलिटिकल साइंस ये इजी में आता है, पॉलिटिकल साइंस की सिविक्स बन जाती है, दैट इज़ वाई ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए सेकंड पॉलिटिकल साइंस है। अगर उससे भी इजी में जाना है तो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी पहले नंबर पर आता है जो एडिशनल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर गाइडेंस है ये, और ये डिसाइड हो गया कि आपने ये पेपर देना है, तो आप सोशियोलॉजी का या पॉलिटिकल साइंस का पेपर बीए का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कैसे दोगे, और उसके बाद जब ये हिस्ट्री और सोशियोलॉजी या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस क्लियर कर ली, फिर आप बीएड का एडिशनल पेपर दोगे, वो कैसे देना है। वापस चलते हैं, वो कब कब होता है, ये दो डिवीजन है उसकी एडिशनल पेपर देने की। फर्स्ट डिवीजन है कि एनुअल सिस्टम में आपने की है ग्रेजुएशन जहां दूसरे में की हुई है सेमेस्टर में, ये मैंने सेम लिखा है और ये लिख दिया एनुअल सिस्टम। तो सेमेस्टर की अगर है तो डेट फॉर्म फिल कब की जाती है, अगस्त को, अगस्त में आपको इंक्वायरी करनी होगी। मैं इंक्वायरी का नंबर दे दूंगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, 01832823057 पर इंक्वायरी पर भी पूछ सकते हैं। और ये मैंने इंफॉर्मेशन उन्हीं से इंक्वायरी से पता करके आपके सामने रखी है। अच्छा, अगर फॉर्म फिल करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन बीए एनुअल सिस्टम में की हुई है तो आपके फॉर्म जनवरी में भी फिल होते हैं और अगस्त में भी फिल होते हैं।
दूसरा मोड नॉर्मली फॉर्म फिलिंग का ऑफलाइन ही होता है, ऑफलाइन ही हो रहा है अभी तक, ये चेंज कभी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इंक्वायरी का नंबर जो दिया है गया वहां से आप पूछ सकते हो। नेचुरली सेकंड है कि फीस कितनी है, अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे यहां पर सोशियोलॉजी की पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल लिया है तो वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर वो आपने सेमिस्टर सिस्टम में किया है और नॉन प्रैक्टिकल है पॉलिटिकल साइंस दे रहे हो तो 4000 आपकी फीस लगेगी। अगर वो नॉन प्रैक्टिकल है एनुअल सिस्टम में आपने किया है तो आपकी 3400 फीस लगेगी। अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फीस बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी सेमिस्टर की, सेमिस्टर वाइज अगर आपने ग्रेजुएशन की है 6200 हो जाएगी, और प्रैक्टिकल एनुअल का अगर है, एनुअल में दे रहे हो ज्योग्राफी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो फिर वो हो गई 4500। नेक्स्ट है कि क्या ग्रेजुएशन का देने के लिए जो फॉर्म फिल है कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ता है। अगर ऑफलाइन है तो प्रॉबेबली आपको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन एक विजिट यूनिवर्सिटी हर हालत में कर लेनी चाहिए, सब कुछ इंश्योर हो जाता है। ग्रेजुएशन में एक विजिट आपकी यूनिवर्सिटी में लगेगी ही लगेगी, तो ये एक विजिट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये एक यहाँ लिख दिया है, मिनिमम वन विजिट है। अच्छा, सबसे जरूरी बात कि बीएड मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बीएड करते हुए साथ में ग्रेजुएशन के बीए के एडिशनल पेपर दे सकता हूं, तो इसका आंसर है यस, आप दे सकते हो। मैंने ये यूनिवर्सिटी से दोबारा 3 बार कंफर्म करके बता रहा हूँ, ये पेपर क्लैश नहीं होते। दूसरी बात है कि बीएड जो है आप कर रहे हो, ये होना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट कि वो सेम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं GNDU लिख देता हूँ, GNDU लिख दिया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। कारण ये है कि अगर GNDU से ही आप बीएड कर रहे हो तो आपको माइग्रेशन, यहाँ पॉइंट लिखा है, माइग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अब सिंपल शब्दों में क्या हुआ कि आप बीएड किसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ही कर रहे हो और बीए भी यहाँ से की हुई है, तो आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएड करते हुए साथ में बीए के एडिशनल पेपर दे सकते हो। अगर आपने माइग्रेशन ली, कहीं और कुछ करना था, माइग्रेशन ली है और वहाँ नहीं कर रहे, तो आपको माइग्रेशन, यहाँ पॉइंट लिखा है, फिर माइग्रेशन, यस माइग्रेशन लेनी पड़ेगी, माइग्रेशन एडिशनल के लिए भी लेनी पड़ेगी और ये एनुअल सिस्टम के लिए, दोनों के लिए ही लेनी पड़ेगी। अगर आप बीएड दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, फिर आपको बीएड के बाद ही करने की ऑप्शन मिलेगी, इमीडिएट बाद ही आप ग्रेजुएशन का दे सकते हो। दैट इज़ वाई अब बीएड की एडमिशन अगर चल रही है तो ये फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि एडिशनल पेपर अगर देने हैं तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का गुरु नानक को ही प्रेफर करे, और पंजाबी यूनिवर्सिटी का पंजाबी को ही, और पंजाब यूनिवर्सिटी का पंजाब यूनिवर्सिटी को ही। नेक्स्ट है कि अदर यूनिवर्सिटी से अगर मैंने ग्रेजुएशन की है तो क्या मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बीए के एडिशनल पेपर दे सकता हूं? आंसर इज नो के दूसरी, पहले कई कई बार ये प्रोविजन देते थे। हाँ, इंक्वायरी का नंबर आपको दिया है, आप पता कर सकते हो, हर साल जब ये फॉर्म निकलने हैं, है ना, ये जनवरी और अगस्त स्टार्टिंग में आपको पता कर लेना चाहिए इंक्वायरी नंबर पर कि क्या इस बार प्रोविजन दे तो नहीं रहे। ऐसे हुए हैं, मुझे कैंडिडेट जानते हैं जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और एडिशनल इधर दिया है, बीएड दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, एडिशनल इधर दिया है, लेकिन अभी नहीं है। नेक्स्ट है सिलेबस कौन सा होगा, सेमेस्टर सिस्टम के लिए सिलेबस जो है लेटेस्ट चल रहा, यहां लिख देता हूं, लेटेस्ट जो चल रहा है वही होगा। एनुअल के लिए, क्योंकि एनुअल बंद हो चुका है, अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है, इन्होंने कौन सा सिलेबस स्टडी करना है जब एडिशनल पेपर देने हैं, तो वो होगा लास्ट यहां पर लिख देता हूं, जो लास्ट सिलेबस था। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 जब भी हुआ था, 2015 में ये सेमेस्टर सिस्टम से, सॉरी
एनुअल सिस्टम से सेमिस्टर सिस्टम बन गया मान लीजिए, तो 2015 लास्ट टाइम एनुअल सिस्टम था, तो 2015 का ही सिलेबस आपको स्टडी करना पड़ेगा जो आपने पेपर देना है। बीए के ग्रेजुएशन के पेपर देने देते हुए ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो पेपर आपके ए बी जैसे बीए फर्स्ट ईयर, ईयर फर्स्ट, फर्स्ट ये हो गया ईयर सेकंड, और ये हो गया थर्ड बीए के, है ना, और पेपर हो गया पेपर ए बी, ए बी, ए बी, मैथमेटिक्स के शायद ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा पेपर भी होते हैं, मिनिमम ऐसे पेपर होते हैं। तो ये छः पेपर हुए, छः के छः पेपर आपके विद इन एनुअल सिस्टम में वन मंथ में हो जाएंगे, ठीक। और अगर आपकी सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके दिसंबर, यहाँ लिख रहा हूँ दिसंबर और मई, दिसंबर में सेम वन और थर्ड चलता है, तो इसके एग्जाम होते हैं, इसके एग्जाम होते हैं, और मई में सेकंड और फोर्थ। इट मींस एनुअल सिस्टम है तो आपके एग्जाम एक ही मंथ में हो जाएंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम के में आपने ग्रेजुएशन की थी और एडिशनल देना चाहते हो तो आपके आधे पेपर दिसंबर में और आधे मई में हो जाएंगे। इट मींस दो डिवीजन हो गई हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम वालों के 6 महीने लग जाएंगे, इनके 1 महीने में ही हो जाएगा। तो ये था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। अगर आप एडिशनल ग्रेजुएशन के प्रैक्टिकल या नॉन प्रैक्टिकल कोई भी हो पेपर देना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि बीएड का कैसे देना है एडिशनल पेपर, उसका लिंक नीचे दिया गया है। आप अगर बीएड का एडिशनल पेपर देना चाहते हो उनके यही क्वेश्चन, उनमें थोड़ी एडिशनल बातें होंगी, तो वो साथ कैसे बन के गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा नीचे लिंक दिया गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्या बनती है, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होगी, उसके लिंक भी नीचे हैं, वो देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।